अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी दस्तरखान। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भुनी हुई मूंग की दाल। ये बहुत ही हल्की गिज़ा है, हर किसी के लिए गर्मी के मौसम में इसको सलाद और रायते के साथ नोश करना। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं 2 प्याली मूंग की दाल, वो हमने 1 घंटा पहले भिगो दी थी। 1 बड़े साइज़ का प्याज, बारीकी देखें ये बहुत ही बारीक कटा हुआ है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। ये है कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसको हमने अच्छी तरह धो के और इसे पानी निथार के रख लिया था। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, और ये है साबित गर्म मसाला। 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 2 स्टिक है ये दालचीनी की, और 1 बड़ी इलायची, इसको हमने तोड़ लिया था, और 1 कप लिया है हमने ऑयल। चलें जी हम पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। उसके बाद हमने ये बारीक कटी हुई प्याज में फ्राई करेंगे। सबसे मामूल बिरयानी के अलावा अमूमन किसी भी सालन में प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं किए जाते, वरना सालन में कालापन आ जाता है। कालापन भी आ जाता है और जायके में भी मिठास मिठास सी शामिल हो जाती है। ये हमने साबित गर्म मसाला इसमें डाल दिया, इसको भी हम प्याज के साथ साथ भूनेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, जायका भी ले सकते हैं, नमक और मिर्चें दोनों। अब हम इसे कवर करके तेल अलहदा होने तक इसे पकाएंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी जो हमने धो के रख ली थी, कभी भी कोशिश करें बाहर धोए हुए इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रेत होती है। हालांकि ये ब्रांडेड है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें रेत होती है। एक हरी मिर्च हम इसमें बारीक काट के डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर आ जाएगा और हम गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें दाल शामिल कर देंगे। और मूंग की दाल में हम पानी बहुत ही थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप पानी भी इसमें काफ़ी होगा, वो हम शामिल कर देंगे। ये जैसे ही पकना शुरू होती है हम इसे कवर करके धीमी आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे तो ये फुल कुक हो जाएगी। चलिए ये हमने इसे कवर कर दिया, वेट करते हैं। ये हम इसे चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। जैसे पानी है और ये हल्की सी देख सकते हैं सॉफ्ट है, लेकिन ये भाप में गल जाता है, इसलिए बस इतना पानी बहुत है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल बिल्कुल रेडी है। हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे और इसकी गार्निशिंग करते हैं। आपका जब जी चाहे आप बनाएं और खाएं और मुझे बताएं कैसी बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।